पर हमें आरक्षण मिला है, किसानों को न्याय मिला है? नहीं ना मिला, इसीलिए तो आज दिल्ली तक आना पड़ा है। किसानों की जान कोई जान नहीं होती क्या? इतनी जगह जल में देख लिया है, देख लेंगे। पूरे देश में महाराष्ट्र किसानों के आत्महत्या में एक नंबर पर है, और उस पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले जो लोग है वो मराठा समाज के। बीजेपी की सरकार बहुमत में है, ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कम से कम अन्याय के खिलाफ उठकर तो खड़ा रहना चाहिए। न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, तो हमको दिल्ली में आना पड़ेगा। अभी ये जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती, तो वैसे ही हम जब तक अपना सीना नहीं पीटेंगे तब तक सरकार हमारी तरफ देखेंगी नहीं ना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर महाराष्ट्र से तमाम लोग आए हुए हैं और एक अनशन कर रहे हैं। इनकी मांग साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे, मराठा आरक्षण। मराठा आरक्षण को लेकर यहां पर जो है पूरे महाराष्ट्र से तमाम महिलाएं, पुरुष और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, साफ तौर पर इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। आपका जो अनशन चल रहा है, प्रदर्शन है, किस चीज को लेकर है ये? महाराष्ट्र के मराठा समाज के आरक्षण को लेकर ये धरना आंदोलन किया गया है। महाराष्ट्र में जो क्या है, महाराष्ट्र में जो मराठा समाज है जिसका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख कार्य खेती करना है, आज जो देखा जाए तो शिक्षा के दौर में 34% से आगे हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर 50% बच्चे पढ़ते हैं तो 34% आज बाहर पढ़ाई से बाहर जा रहे हैं, यानी कि इस लाइन से बाहर जा रहे हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठा समाज के सबसे ज़्यादा लोक संख्या है, जिसके जितनी संख्या भारी उसमें उसकी भागीदारी, इस हिसाब से देखा जाए तो मराठा समाज के पहलू में आज तक तो कुछ भी नहीं गिरा। देखा जाए तो आज अगर किसानों की बात की जाए तो पूरे देश में महाराष्ट्र किसानों के आत्महत्या में एक नंबर पर है, और उस पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं वो मराठा समाज के। अगर ये किसी के कहीं पर रोकना है तो आरक्षण ज़रूरी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, तो हमको दिल्ली में आना पड़ेगा। अभी अभी वहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं, तो दिल्ली में ही आएंगे ना। आप कुछ कह रहे थे बीच में, महाराष्ट्र में इससे पहले मराठा समाज ने 58 मोर्चे निकाले। इस आंदोलन को आज लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल में 48 युवकों ने मराठा समाज के, और आप फोटो पर देख रहे हैं जो अन्ना साहेब पाटिल और शशिकांत जी पवार, ये शहीद हुए इस आंदोलन में। 58 लाखों के मोर्चे निकलने के बाद राज्य सरकार ने हमें आरक्षण दिया था 16% OBC के अंतर्गत, पर वो कोर्ट में टिक नहीं पाया।
उसके बाद में तीन आयोग कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाया, उस पर स्थगिति लाई गई, किसी ने उसके अगेंस्ट में केस किया, उसके बाद में तीन आयोग स्थापन, चार आयोग स्थापन कर दिए गए, जैसे कि रानी समिति है, गायकवाड़ आयोग है, ऐसे दो और समितियां स्थापन की गई। उसके बाद में भी 19 में राज्य शासन ने हमको आरक्षण दिया, पर 50% के ऊपर हम आरक्षण नहीं ले सकते, इस वजह से वो भी खारिज किया गया। अब हम ये चाहते हैं कि केंद्र में दोनों सदनों में बीजेपी की सरकार बहुमत में है, ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक अब तक जैसे 104 बार नए कायदे लागू हुए, तो ऐसे एक आरोप 105वीं बार एक नया कायदा लाकर मराठा समाज को आरक्षण का लाभ मिलने के लिए उसकी तरतूद की जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं किसानों की जो है किसानों की हालत खराब है, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से ही ऐसी खबर आ रही है कि किसान अमीर हो गए टमाटर बेच के। देखिए मैडम, आप टमाटर की बात कर रही है, ये दो दिन के टमाटर है, इससे पहले आप 5 साल का इतिहास निकाल के देखिए, लोगों ने टनों से टमाटर फेंक दिए है, लोगों ने टनों से गोभियाँ फेंक दी है। मेरे गांव चलो, आप मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ, लोगों ने खड़े गन्ने में, वो जब कारखाना लेकर नहीं जा रहा था तो खड़े गन्ने में ट्रैक्टर घुसा दिए, खड़े मिर्ची के फसलों में जानवर छोड़ दिए, अपने बाल बच्चों को जिस तरह से संभालते उससे ज़्यादा जिस फसलों को संभाला है उन पर खड़े दिन में वो ट्रैक्टर छोड़ दिए गए, वो आंसू उनके देख लो आप, उनको कोई नहीं देखेगा। दो दिन के लिए टमाटर बढ़ गए तो सुनील शेट्टी साहब से लेकर कह रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो आपने सरकार की आलोचना की, लेकिन अब जो है किसान जो है टमाटर बेच के महंगाई में करोड़पति बन गया तो सरकार की तारीफ बनती है। नहीं नहीं मैडम, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में पूरे किसानों में टमाटर कितने लोगों के पास होगा, टमाटर का भाव बढ़ा क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब 10 से 12 किसान जो है करोड़पति बन गए। 10 से 12 किसान तो पूरे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, वैसे तो 288 आमदार भी है हमारे पास, पर हमें आरक्षण मिला है, किसानों को न्याय मिला है, नहीं ना मिला, इसीलिए तो आज दिल्ली तक आना पड़ा। तो क्या लगता है न्याय यहाँ दिल्ली में आने के बाद न्याय मिल जाएगा? देखिए, जिस पे अन्याय होता है अगर वो खामोश बैठे तो वो अन्याय को दोबारा दौर सहन कर रहा है, वो सहन नहीं करना है, कम से कम अन्याय के खिलाफ उठकर तो खड़ा रहना चाहिए। न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। कब तक क्या लगता है, कब तक आपको न्याय मिलने की उम्मीद कब तक? देखिए मैडम, पूरे महाराष्ट्र में इस आंदोलन को लेकर खटखट हर सामाजिक के मन में है, पर दिल्ली तक आने वाला पहला संगठन अखिल भारतीय मराठा महासंघ है जो दिल्ली में से इस आंदोलन का आगाज करेगा और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाएगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। अभी 2024 का भी इलेक्शन है, इसको देख के एक माहौल बनाएंगे जो जिसको सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़े। क्या माहौल बनाएंगे, कैसे सरकार को आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम महाराष्ट्र में संख्या बल में सबसे ज्यादा है, अगर हम चाहे, देखिए आपने कर्नाटक में अभी देखा कि 10% लिंगायत 15% लिंगायत समाज जो है उन्होंने बीजेपी का सफाया कर दिया, और महाराष्ट्र में हम 35-40% के ऊपर है, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, यही दिखाने के लिए, यही सुनने के लिए कि हम पर अन्याय हो रहा है, हमने आज तक आपका तो साथ दिया है। सरकार को धमकाने के लिए दिल्ली आए हैं? देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती, तो वैसे ही हम जब तक अपना सीना नहीं पीटेंगे तब तक सरकार हमारी तरफ देखेंगी नहीं ना, उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि हम भी त्रस्त हो गए। देखिए आप, 1.5 लाख लोग अगर 2 महीने में आत्महत्या करने की कगार पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IAS अधिकारी का सर्वे कह रहा है, आप महाराष्ट्र के हर एक पेपर को उठा के देखिए पिछले 3 दिनों में से ये क्या चल रहा है, किसानों की जान कोई जान नहीं होती क्या? ये समझो, ये हमें दिल्ली तक आना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत आग लगी है। दूसरा, मणिपुर महाराष्ट्र में होने से पहले इस मराठा समाज को न्याय दे दो। अच्छा, सरकार जो है जनता ही चुन के भेजती है, लेकिन फिर जब जनता को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर ये प्रदर्शन और छाती पीटने जैसा आप बता रहे, ये क्यों करना पड़ता है? फिर सरकार जब वोट लेना होता है आपके दरवाजे तक आती है, उसके बाद सरकार बदल क्यों जाती है? देखिए मैडम, ये उनको पता है कि वो बदल क्यों जाती है, हम जब भी किसी राजकीय पार्टी को वोट करते हैं
तो आगे का भविष्य देखकर, आगे की आशाएं, आगे की उम्मीदें देखकर ही वोट करते हैं। अब वो उम्मीद की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते तो इसमें तो हमारी कोई भी नहीं। जनता उसको दूसरी बार ले आती है दूसरी बार ले आती नहीं है, दूसरी बार भी जनता को आशाएं रहती है। देखो अगर आपने अपनी कई चीज खो जाए और आपको आपको पता है वो मिलने वाली नहीं है, फिर भी आप उस रास्ते पर ढूंढने जाते हो। इसी प्रकार है आप हमें लगता है आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। पिछले 150 सालों से जब लड़ाई चल रही है वो कुछ कहीं ना कहीं काम तो आएगी। जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, हमें नागपुर जिले से आए हैं और मराठा का आरक्षण देते रहेंगे। जी आरक्षण लेके जाएंगे, लेके जाएंगे यार। इसके पहले जो जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सरकार किसी की भी हो, सरकार फेरबदल होती रहती है, पर जनता आशावादी है। वो जनता आशावादी रहने से वो भी छोड़ेगी नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। कितना है दम में, दमन में तेरे, देख लिया है देख लेंगे, कितनी जगह है जल में, देख लिया है देख लेंगे। क्या लगता है सरकार जो है आपके इस उम्मीद पे खरी उतरेगी? बिल्कुल संभट के उतरना पड़ेगा, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि हमारा जो मराठा का आरक्षण जो होना तो सभी को होना ना। और ऐसा हमारा विरोध नहीं कि कोई 56 समाज होगा, कोई 50 समाज होगा, उस समाज का तोड़ताड़ फोड़ करके देना नहीं है। आरक्षण मराठे का है, जो भी हमारे हक में आता हो देना चाहिए, सबको दिया है, नहीं तो किसी को नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तो ये जो आपने सुना, ये साफ तौर पर मराठा आरक्षण को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं और सभी महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आए हुए हैं यहाँ पर मौजूद। जो भी आप देख पा रहे होंगे सभी महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आए हुए हैं और ये अपने मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी जन